बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, ये जनरल रीडिंग है। तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी ये आपके साथ रेजोनेट करता है शायद उतना ही मैसेज आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए। ये रीडिंग होगी 15 से लेके 19 मई तक की होगी। ये रीडिंग 15 से लेके 19 मई तक जो वक्त है, और इसमें जिन लोगों का नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है ये रीडिंग उनके लिए होगी। मतलब अगर पहले से ही चल रहा है लेकिन इस वक्त भी है तो नो कांटेक्ट का सिचुएशन, तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। साथ में लेंगे यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डेथ एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हो, बॉटम ऑफ द डेक में टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये पर्सन जो भी पहले जो स्थिति था ना आप लोगों की रिश्ते की, मतलब पहले आप लोग जो आपका रिश्ता जो स्टेबल था, रिश्ते में बहुत स्टेबिलिटी थी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, आप जिस तरीके से रिश्ते को संभालते थे, जिस तरीके से सबका ख्याल रखते थे, रिश्ते में जो भी हैं उनके लिए अच्छा सोचना, उनका ख्याल रखना, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड करना, रिश्ते का परिवार का हर किसी के लिए जो भी आप सोच रहे थे, जो भी आप कर रहे थे, सब कुछ अच्छा था उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो गया, आपकी सारी अच्छाई नेगेटिविटी में बदल गया, कुछ परेशानी आई, किसी की वजह से होगी, परिस्थिति ऐसा हो गया कि सब कुछ उलट पुलट हो गया, अनवांटेडली जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं था आप लोगों के साथ वैसा एक परिस्थिति आया और पूरे रिश्ते ख़राब हो गए। हालांकि अभी ये रिश्ते नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में चला गया है, लेकिन आपके पर्सन दोबारा से आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, दोस्ती से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग जिसे बोलते हैं, मतलब वो शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं रिश्ते को। दोस्ती तो करना चाहते ही चाहते हैं, साथ में ऐसा कुछ करना चाहते हैं रिश्ते में जो उन्होंने पहले नहीं किया होगा आपके लिए। कोई फैंटासाइज कर रहे हैं वो रिश्ते को नए तरीके से शुरू करने के लिए, दोस्ती करना या घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो मैं अगर सिंपली कहूँ इन्होंने ये सब कुछ पहले किया ही नहीं था इस रिश्ते में। जब से आपके साथ नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन आया है तो उनको समझ में आया, अरे रिश्ते में तो इतना अच्छा भी ये रिश्ता हो सकता था, मैंने तो कभी कोशिश ही नहीं की। इस तरीके के सोच के साथ ये रिश्ते में दोबारा से एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं। देखो बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स के कार्ड, मतलब ये कंप्लीशन चाहते हैं रिश्ते में, परिवार चाहते हैं। अगर ये पहले से ही आपके परिवार के सदस्य हैं, परिवार हैं, तो उस परिवार को दोबारा से ये जोड़ना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे ये इनकी करंट फीलिंग्स है। अब हम देखेंगे तो ये तो करंटली ये सोच रहा है लेकिन ये चाहते क्या है, चाहे आपसे भी तो इनका कोई उम्मीद रह सकता है। देख लेते हैं लिब्रा आपके पर्सन चाहते क्या है।
आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है, कोई टॉरस हो सकता है, वर्गो हो सकता है, देख लेते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लिब्रा यानी तुला राशि हम देखेंगे, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं चाहते क्या हैं, देख लेते हैं लिब्रा आपके पर्सन चाहते क्या हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में सेवन ऑफ वंड्स के कार्ड, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में थे, मुझे लगता है आपके साथ उनका एक फिनेंशियल बॉन्डिंग भी है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जब आप थे फिनेंशियली इनको सपोर्ट करते थे, एक फिनेंशियल बॉन्डिंग तो था ही था। खास करके अगर आप दोनों एक ही जॉब में हो, बिजनेस करते हो, तो ये और अगर रिश्ते में भी आपने उनको फिनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद किया है होगा, तो ये बंदा अभी उन चीज़ों को वापस पाना चाहते हैं। आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ आ जाए रिश्ते के लिए, आप पहल कर दो, या फिर आपने जो सीक्रेटिवली, जो हो सकता है नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में आप तो जॉब कर ही रहे हो, करते हो, जो भी लिब्रा जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो इसमें पैसों की लेन देन भी हो रहा है, तो बंदे को उन बारे में भी जानना है कि आपका ये पैसा, आपके जो फिनेंशियल स्टेटस है, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, करते हो, उसका जो राज है वो क्या है, और आप अपने पैसों को इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, पैसा इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, पैसे की जानकारी भी उनको चाहिए। आपसे रिलेटेड कोई पैसा, कोई गुड न्यूज़ उनको मिल जाए, ये भी ये चाहते हैं। साथ ही साथ इनको लगता है कि आप उनसे पैसों के बारे में खास करके कुछ छुपा रहे हो, उन बातों को आप ना छुपाएं, इनसे क्लियर करें, और जो भी बात है पैसे के सिलसिले में तो आप उनसे इस बात का डिस्कशन करें, क्योंकि नए तरीके से रिश्ता शुरू होने जा रहा है और पैसों के लिए ये भी मेहनत कर रहा है, ये रिश्ते में भी मेहनत करेंगे, पैसे कमाने के लिए भी मेहनत करेंगे, लेकिन जैसे आप पहले उनको मदद करते थे, हेल्प करते थे, अभी भी अगर इस तरीके से हेल्प कर दो, अगर अभी भी इस तरीके से रिश्ते में रहो, तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए। साथ ही साथ कुछ छुपा हुआ राज है, मतलब पैसे से रिलेटेड खास करके, तो उन चीज़ों को भी ये जानना चाहते हैं कि पहले तो ये आपकी मदद करते थे, आप दोनों काम करते थे, पैसे से रिलेटेड कोई अच्छा बिजनेस वगैरह अगर आपका चल रहा था, तो अब ये कौन कर रहा है, क्योंकि अभी तो ये नो कॉन्ट्रैक्ट का सिचुएशन है, तो आपको उनको इन सारी चीज़ों की जानकारी देना होगा, या फिर ये पाने के लिए सोच रहे हैं कि उनको ये जानकारी मिल जाए और आप उनसे कुछ चीज़ें ना छुपाए। अभी हम देखेंगे इनका खुद का एक्शन क्या रहेगा अगर ये एक्शन लेते हैं। लिब्रा, आप किसी स्कॉर्पियो, किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है, कोई जेमिनाई हो सकता है। अभी हम देखेंगे इनका एक्शन क्या रहेगा। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन का एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन का एक्शन क्या रहेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस, ये बंदा जब भी एक्शन लेने के बारे में सोचेगा, पहले थोड़ा अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा, क्योंकि यस
रिश्ते छोड़ के या तो आप गए थे, जहाँ तक मुझे लग रहा है लिब्रा, आपने रिश्ते को छोड़ा, आपने मूव ऑन किया क्योंकि रिश्ता चल नहीं रहा था, परेशानी आ गया था, एक अनस्टेबल स्थिति आप लोगों की रिश्ते में था, एक पेनफुल सर्कल चल रहा था जिसकी वजह से आपने रिश्ते से मूव ऑन किया होगा। तो ये पर्सन जो है, अभी खुद अगर मैं कहूँ ये क्या एक्शन लेंगे, ये एक्शन लेने के वक्त 10 बार सोचेंगे क्योंकि मूव ऑन आपने किया है, तो ये एक्शन ये खुद क्यों ले, क्योंकि इनका जो एनर्जी है, सोर्स वाले एनर्जी है, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने वाला बंदा या बंदी है, ये अपने बारे में पहले सोचेंगे, आपको बुरा लगे, लोगों को बुरा लगे, ये क्या सोच रहे हैं, आपकी दूसरों की भावनाओं से ये उनका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये गए हैं इनको आना है। लेकिन हाँ, रिश्ता बैलेंस हो जाए, रिश्ते में आप वापस चले आओ, रिश्ते में फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, रिश्ते में एक शुरुआत तो ये चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सब कुछ खुद ही करेंगे, नहीं, एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, रिश्ता बैलेंस करना ये चाहते हैं, ये पेशेंस लिए इंतज़ार करेंगे कि कब आप कोई एक्शन लोगे, क्योंकि ये एक्शन नहीं लेंगे, ये दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं कि क्या आप कर रहे हो, आपकी सारी गतिविधियों पर ये नज़र रख रहा है, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्स के कार्ड भी आए थे, कुछ छुपाना अगर आप चाहते हो, चाहे फिनेंस के बारे में चाहे अपने बारे में, तो इन चीज़ों को भी ये खोलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और जब एक्शन लेने की बारी आएगी तब ये खुद से एक्शन नहीं लेंगे, आपको लेना पड़ेगा, अगर आप एक्शन लेते हो तो ये रिश्ता बैलेंस हो सकता है, ऐसा इन्होंने सोच के रखा है कि भाई मुझे एक्शन नहीं लेना है, मैंने कोई गलत नहीं किया, ये रिश्ता सही चल रहा था, ये सब कुछ सही चल रहा था, इन्होंने अचानक से रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचा है, तो मुझे एक्शन लेना नहीं है। लेकिन अगर ये आते हैं, ये एक्शन लेते हैं, तो रिश्ता मैं सही कर पाऊँगा, करूँगा भी, और रिश्ते बैलेंस भी हो जाएंगे, तो ये पेशेंसली इस रिश्ते को बैलेंस होने का इंतज़ार करेंगे, और आपकी हर काम पर ये नज़र रखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो या नहीं, लेकिन ये खुद को शांत रखेंगे और ऑब्जर्विंग की मूड में रहेंगे, क्योंकि इनको किसी के सामने जाके आगे जाके बात करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उनको ऐसा लगता है कि खुद छोटे हो जाएंगे, भाई मैं जाके बात करूँगा या करूँगी, मैं क्यों करूँगी, मैंने क्या गलत किया है, क्योंकि ये अपने गलती को ये समझने वाला बंदा या बंदी है नहीं यहाँ, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, जितना दिखाई दिया मैंने बताया, कैंसर भी होंगे एक कुछ, देख लेते हैं एंजल आपके, सॉरी यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, जब नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन चल रहा है, अगर पूरी जिम्मेदारी आप पर है, मतलब रिश्ते में जो कुछ करना है आप ही को करना है, तो इस स्थिति में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा, देखो बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पता है ये सोलमेट कनेक्शन है, ये आपके साथ इनका जो कनेक्शन है ये सोल कनेक्शन है, सही बात है, हो सकता है ये सोल कनेक्शन ही है, लेकिन किसी भी काम को इतनी जल्दबाजी से करने की ज़रूरत नहीं है,
इतनी जल्दबाजी से डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी डिसीजन लेने के बारे में आप सोच रहे हो, थोड़ा रुक के सोचे और थोड़ा वक्त लगाए, सोच समझ के डिसीजन ले। अगर आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए देन यू मे गो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ठहर जाना चाहिए क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, ये कहीं नहीं जाने वाला, बंदा या बंदी गलत समझ रहे हैं, तो आपको अपने बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाइए, आपको सोचने की ज़रूरत है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा इंतज़ार करिए, फिर जाके आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, इसमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।